बहरे अरब के ऊपर हवा के शदीद दबाव के बाद तूफान टोकटे हिंदुस्तान की कई रियासतों में दस्तक दे रहा है, जिसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा में तूफान अपनी शिद्दत को पहुंच रहा है, जिसके असरात आज रियासत तेलंगाना के दारुलहुकूमत हैदराबाद में भी देखने को मिले। तूफान के असर से आज हैदराबाद में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कों पर पानी जमा देखा गया। शहर में लॉकडाउन के बाद सड़कें पहले से सुनसान हैं। बारिश की वजह से चन्नानगुट्टे के अलजुबेल कॉलोनी में भी पानी जमा हो गया है, जिससे मुकामी अफराद में पिछले साल अक्टूबर की बारिश का खौफ एक बार फिर नजर आने लगा है। फलकनुमा फ्लाईओवर के जारी कामों की वजह से अलजुबेल कॉलोनी का नाला बंद हो चुका है, जिससे बारिश होने पर अलजुबेल कॉलोनी में पानी जमा हो रहा है। मुकामी अफराद को खदशा है कि अगर एक महीने में फलकनुमा फ्लाईओवर का काम मुकम्मल नहीं किया गया तो पिछले साल की तरह सूरतहाल हो सकती है, क्योंकि आइंदा महीना मानसून का है। बल्दिया को उससे कबल यहाँ के काम अंजाम देने चाहिए। पेश है इस खसूस में बारिश के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत.com।